सीएम योगी ने बनाया वो मास्टर प्लान जिसके आगे यूपी में हो जाएगा विपक्षियों का काम तमाम। योगी को मिला जैटलैंड के मास्टर खिलाड़ी का साथ, पूरा यूपी फतेह करने का हो गया बड़ा ऐलान। लोकसभा चुनाव 2024 में पश्चिमी पूर्वांचल बुंदेलखंड हर जगह भगवा छाएगा, तो अखिलेश जयंत और मायावती का पत्ता पूरा का साफ हो जाएगा। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष के आने से बीजेपी हुई मजबूत, तो पश्चिमी यूपी से हुई जीत की बड़ी शुरुआत। जी, बीजेपी को उत्तर प्रदेश का प्रदेश अध्यक्ष मिल चुका है। बीजेपी ने सीधे यूपी के जैटलैंड पश्चिमी यूपी को ध्यान में रखते हुए प्रदेश अध्यक्ष चुना है, जिनका नाम है भूपेंद्र सिंह चौधरी। और लोकसभा 2024 की जीत की तैयारी अभी से शुरू हो चुकी है। योगी आदित्यनाथ ने अपने सबसे खास नेता को चुना है, जो 32 सालों से बीजेपी का भरोसा बने हुए। वहीं योगी ने भूपेंद्र का साथ मिलने से पूरी रणनीति तैयार कर ली है। हाल ही में योगी ने पश्चिमी यूपी का दौरा किया, जिसमें यहां की सभी सीटों को लेकर जीत की तैयारी का प्लान तैयार किया। इसके अलावा विपक्ष की सभी सीटों को छीनने का भी प्लान तैयार कर लिया, और सपा रालोद का सुपड़ा साफ करने का जो प्लान तैयार हुआ है। आपको बता दें कि 8 सीटें इस समय विपक्ष के पास में है, जो कि पश्चिमी यूपी में आती है। हाल ही में बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष बने भूपेंद्र ने मास्टर स्ट्रोक खेलते हुए अब बिगुल बजा दिया है, और कहा है कि आने वाली 2024 के चुनाव में उत्तर प्रदेश की सभी 80 सीटों पर वो जीत दर्ज करने की पूरी कोशिश करेंगे, और हम जीत के भी रहेंगे, ये हमने शपथ ले ली है। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ द्वारा किए जा रहे कार्यों पर जनता का भाजपा से गठबंधन है, इसलिए हम उनके आशीर्वाद से हर चुनाव में जीत दर्ज करते हुए आ रहे हैं। किसानों के मामले पर बोलते हुए नवनियुक्त प्रदेश अध्यक्ष ने कहा कि गन्ना मूल्य को लेकर हमारी सरकार लगातार गंभीर है। हमारी सरकार ने चीनी मिलों की क्षमता को बढ़ाया है, लेकिन विपक्ष के कार्यकाल में चीनी मिलें चलती नहीं थी, जिससे गन्ना मूल्य भुगतान का दबाव बढ़ता रहता था। वहीं विपक्ष पर निशाना साधते हुए उन्होंने बोला कि अखिलेश यादव, जयंत चौधरी और मायावती, ये सभी बरसाती मेंढक हैं, और ये सिर्फ चुनाव के समय बाहर निकलते हैं और उसके बाद जनता के बीच नहीं दिखाई देते। भूपेंद्र ने इसके अलावा ये भी कहा कि भाजपा हमेशा चुनावी मूड में रहती है। उन्होंने कहा कि सोमवार को प्रदेश अध्यक्ष का कार्यकाल संभालने के बाद मैं बूथ स्तर पर सभी योजनाओं को लेकर जाऊंगा और कार्यकर्ताओं के बीच संवाद करूंगा, जिससे आगामी 2024 के लोकसभा चुनाव में प्रधानमंत्री मोदी को एक बार फिर से देश का प्रधानमंत्री बनाया जा सके। पश्चिम की हारी हुई सीट पर सबसे बड़ा मास्टर प्लान। साल 2019 के लोकसभा चुनाव में पश्चिम क्षेत्र के 7 सीटों पर मिली हार को लेकर भूपेंद्र सिंह ने कहा कि इस मामले को लेकर हम सब गंभीर हैं, और इसको लेकर योगी सरकार ने जो है पूर्ण रूप से तैयारी कर ली है, क्योंकि यहां पर जिस तरीके से बीजेपी को विधानसभा चुनाव में जीत मिली है, उससे भरोसा है कि जाटलैंड जो है वो बीजेपी के पक्ष में जाने वाला है, और जाट वोटर्स का भरोसा बीजेपी के ऊपर बढ़ा है। इसके लिए हमने लोकसभा प्रभारी नियुक्त कर दिए हैं, जिसमें वहां की जनता को एक एक कर योजनाओं को समझाकर हार के कारणों का पता लगाया जा रहा है। वहीं सबसे कमाल की बात यह है कि जाट नेता के आने से वोटर्स प्रभावित होंगे, और कहीं ना कहीं बीजेपी हारी हुई सीटों को जीत कर बड़ा खेला कर सकती, क्योंकि यूपी में मायावती का सुपड़ा साफ होना तय है। वहीं सपा का हाल तो इतना बेहाल हो रखा है कि अपने गढ़ की सीट रामपुर और आजमगढ़ भी गंवा दिया है, और ये दोनों सीट कहीं ना कहीं बीजेपी के लिए जड़ी बूटी का काम करेंगे। तो योगी ने पश्चिमी कमान तो भूपेंद्र के हाथों सौंप दी है, लेकिन पूर्वांचल और बुंदेलखंड की कमान अपने हाथों में ले रखी है, और उम्मीद यह है कि इस बार बीजेपी यहाँ पर 80 की 80 सीटों को जीत कर बड़ा इतिहास रचेगी, क्योंकि यूपी में बीजेपी की बड़ी जीत का मतलब देश की गद्दी पर मोदी की जीत होना, और अगर बात की जाए तो केंद्र की सत्ता यूपी से ही तय होती है। योगी और भूपेंद्र सिंह चौधरी के इस मास्टर प्लान पर आप क्या कहना चाहते हैं, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं।